जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में झांसी में सभी दलों के लोग तैयारियों में जुट गए हैं। जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। इस बार कई पार्टियां अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी टिकट देने जाएंगी, लेकिन इस बार झांसी जिले के निकाय चुनाव में एक नई पार्टी के लोग भी चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, अन्य पार्टी के लोगों के सिर में दर्द करने वाली बात है। इस बात की घोषणा आज न्यूज़ बीके से खास चर्चा में हिंदू राष्ट्रवक्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंचल अचरिया ने की है। अभी सुनिए क्या कहा उन्होंने हमारे संवाददाता के साथ हुई इस वार्ता में। क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव के लिए? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के चूंकि हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं और राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र के भक्तों का संगठन है, तो हम लोग ऐसे लोगों को जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं उन लोगों को निश्चित रूप से हम लोग चुनाव के अंदर समर्थन देने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर ये जो चुनाव होता है ये स्थानीय स्तर पर एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत व्यवहार का चुनाव होता है। निकाय का जो चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। तो इसके अंदर चूँकि कई सारे प्रत्याशी संपर्क कर रहे हैं सभी वार्डों के, तो झांसी ललितपुर के अंदर ऐसा विचार है कि इसके अंदर हम प्रत्याशियों को समर्थन देंगे और दमखम के साथ में उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि आप अपने दल से जो है झांसी ललितपुर सीट पर प्रत्याशी लड़ा रहे, कितने लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वैसे तो चूंकि हम लोग आज तक पूरा जीवन अपना जो है समर्पित रूप से राष्ट्र के हित में निकाला, और राष्ट्र हित में ऐसा हमें लगता है कि एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के हित में काम करती है, तो अभी तक तो वहीं समर्थन देते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वहाँ पर भी जाति के आधार पर सब कुछ होने लगा है, योग्यता को दरकिनार करा जा रहा है भाजपा के अंदर भी। तो अगर योग्यता के आधार पर टिकट होंगे तो ठीक है, क्योंकि आप देखिए जैसे झांसी के अंदर चुनाव है तो झांसी का जो विकास का मॉडल है, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, विधायक लड़े या सांसद लड़े या मेयर का चुनाव हो, तो उनकी खुद की क्या सोच है? सिर्फ योगी जी मोदी जी के नाम पर क्या चुनाव जीते जाते रहेंगे? अपनी खुद की भी तो सोच होनी चाहिए कि हम किस तरह से झांसी को डेवलप करेंगे। तो इसके झांसी के डेवलपमेंट का, ललितपुर के डेवलपमेंट का, चूंकि हमारा संगठन 5-7 जिलों में अभी तक विशेष रूप से ताकतवर रूप से फैला हुआ है, तो इनके डेवलपमेंट को लेकर पूरा प्लान हमारे पास है और उसी को लेकर के हम निकाय चुनाव में उतरने वाले हैं। अगर भाजपा ने योग्य प्रत्याशी नहीं दिया तो निश्चित रूप से सारे वार्डों के अंदर झांसी के, झांसी जिले की सभी नगर पंचायतों पर, नगर पालिकाओं पर और ललितपुर की सभी वार्डों में, नगर पालिका में हम राष्ट्रभक्त संगठन के प्रत्याशियों को उतारेंगे। जो है राष्ट्रभक्त संगठन है तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग सिर्फ काम करते हैं। तो हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे वे सारे के सारे प्रत्याशी आपराधिक छवि से मुक्त होंगे। कोई आपराधिक छवि का प्रत्याशी हमारे पूरे संगठन जो भी जिनको समर्थन देगा उसमें नहीं होंगे। और हम राजनीतिक दलों से भी यही अपेक्षा अभी तक करते आए हैं कि आपराधिक छवि से मुक्त व्यक्तियों को टिकट दें, क्योंकि जो अपराधी होगा वो निश्चित रूप से माफिया होगा, तो वो धन संपत्ति भी अवैध तरीके से एकत्रित करेगा। तो एक जो विकास की परिकल्पना है या लोगों के लिए काम करने की परिकल्पना है, आप देखिए चुनाव जीतते हैं लोग, चुनाव जीतने के बाद में घर में कैद हो जाती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है हमने 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीता है, हमने लोगों को पैसा दिया है तो हमने वोट पाया है, तो इस वजह से वो जनता का काम नहीं करते और जनता परेशान दल दर घूमती है। और हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, वो जनता के बीच में जाकर ये काम करते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम संगठन पिछले 7-8 साल से लगातार कर रहा है इस झांसी के अंदर। तो हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे, जिनको भी समर्थन होगा, निश्चित रूप से वो अपराध मुक्त होंगे, ऐसे ही प्रत्याशियों को हम लोग समर्थन देंगे और हम चाहते हैं राजनीतिक दल भी ऐसे ही प्रत्याशियों को उतारें। आप कितने प्रत्याशियों को जो है लिस्ट हो चुकी है आपके पास? देखिए हमारे पास झांसी के पूरे 60 वार्डों से 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं जो हमसे समर्थन मांग रहे हैं, और ये सभी पूरी झांसी जानती है कि चाहे विधानसभा का चुनाव पिछला रहा हो या पिछला लोकसभा का चुनाव रहा हो, किस तरीके से हमारे संगठन के लोगों ने हजारों की संख्या में काम किया है, उस आधार पर भाजपा निश्चित रूप से आप कह सकते हैं बहुत भारी बहुमत से जीती है। तो हमारे पास सारे वार्डों के, नगर पंचायतों के, मऊरानीपुर से, रानीपुर से, बरुआ सागर, चिरगांव और टोली फतेहपुर, ये जितनी भी हैं, या ललितपुर से, सारी जगह से हमारे पास प्रत्याशियों के बायोडाटा आए हुए हैं और हम उनमें से चयनित करेंगे। उसी आधार पर उनका क्या व्यवहार पब्लिक के साथ में है, क्या वो काम करते हैं पब्लिक के लिए, उसी आधार पर हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे।